तीसरे दिन का खेल खत्म होते ही टीम इंडिया ने गाड़ दिया जीत का खूंटा। चौथे दिन इंग्लैंड टीम की हार की रोहित के शेरों ने दे दी गारंटी। शुभमन गिल ने ठोका शतक तो भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बांध दिया पुलिंदा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 296 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 253 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी के दौरान तीसरे दिन पूरी बल्लेबाजी नहीं कर सकी और 10 विकेट गंवा दिए। तीसरे दिन का खेल काफी मजेदार रहा। इस मैच में भारत को खराब शुरुआत मिली थी, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभालकर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारतीय टीम 171 रनों से आगे थी। उम्मीद थी कि पहली पारी में दोहरा शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में कमाल करेंगे, लेकिन उन्हें जेम्स एंडरसन ने 17 रनों पर शिकार बना लिया। इसके अलावा रोहित शर्मा भी जेम्स एंडरसन की गेंद पर 13 रनों के स्कोर पर बोल्ड हो गए। कुछ इस तरह भारत की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेज इंग्लैंड ने तीसरे दिन की शुरुआत की। अपनी 12 टेस्ट पारियों में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल ने सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद मोर्चा संभाला और 147 गेंदों 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से 104 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 52 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने 45 रनों का योगदान दिया। गिल को छोड़कर किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली और भारत 255 रनों पर सिमट गया। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट लिए, जबकि टॉम हार्टले ने अपने 27 ओवर के स्पेल में 77 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड ने दूसरा सेशन अपने नाम कर लिया। वहीं तीसरे दिन ही इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य मिल चुका है। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट ने हर बार की तरह टीम को धुआंधार शुरुआत दिला दी। हालांकि डकेट को आर अश्विन ने पवेलियन लौटा दिया। उन्होंने आक्रामक अंदाज के साथ 27 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 6 चौके भी शामिल थे। भारत को पहला विकेट दिलाने में शिखर भरत का अहम योगदान रहा। उन्होंने शानदार कैच लपक कर भारत की इस मैच में वापसी करा दी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले जैक क्रॉली 29 रन पर नाबाद हैं, जबकि रेहान अहमद भी 9 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना चुकी है। अब देखना होगा चौथे दिन टीम इंडिया इंग्लैंड की पारी को कितनी जल्दी खत्म करती है और दूसरे मैच को अपने नाम करेगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगी।